गुड इवनिंग गाइस। तो जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन एंड अ वेल एजुकेटेड गाय एंड हिज बिलोंगिंग फ्रॉम शो बिजनेस फ्रॉम लास्ट अब डेकेड अगो। तो जी नाज़रीन, आज हमारे साथ तकी निसार साहब मौजूद हैं और जो कि जिनसे आज हम बहुत ही कैजुअल और बहुत ही मज़े की कन्वर्सेशन करने वाले हैं। तो कीप वॉचिंग अस। तो जी सर, वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। ओके, तो सर आप शोबिज़ में थे डेकेड अगो, 10 इयर्स बिफोर, एंड अचानक से आपने क्विट ही कर दिया। यू नो एक्चुअली यू नो आई वाज वेरी मच इन शोबिज़ टिल 2000 आई बिलीव। In 2000, my last serial was Rahein. That was a mega, mega hit. And I played a central role, and I've been nominated for the best actor for that. But you know, only one thing I felt in my entire life, that if you really survive in this country, you need to have some kind of financial, you can say financially, you need to be strong. Yes. So I was really on the top when I just left this country. So then I've decided, okay, no. This is not the place where I can survive. So I have decided to go to America. So I just left America. Then I had education from there. I've been in different universities, and I'm happy really being. But sometimes, you know, once you've been a showbiz, you need some kind of always. जिसका आपके अंदर ना एक होता है कि मुझे showbiz छोड़ना बहुत मुश्किल है. It's like addiction. It's really like addiction. But you know, once your aims are high. तो फिर आप पीछे मुड़ के ना देखें। That's how I am. I did my best to make things happen in my way, but it's the hardest thing for me to quit show business. But whatever I have done in 10 years, that was fantastic journey. Fantastic, honestly. So, जब आपने इसका start किया था, when you just get started, what was the first thing you feel in this field? What are the difficulties you faced in this field? You know, मेरा ताल्लुक साहिवाल से है. And Saival is a small town, and that point in time in 90s, 80s, 90s में तो किसी छोटे शहर का बंदा का जाके किसी चैनल पे अपने आप को मनवाना या अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, इट्स अ हेक्टिक जॉब। मैं कहता हूँ एक ही चैनल होता था पाकिस्तान टेलीविज़न, और पाकिस्तान टेलीविज़न का ये था कि हम जैसों के लिए तो हमेशा से दरवाजे बंद थे। लेकिन मैंने होप अगेंस्ट होप, व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, आई ऑलवेज थिंक ओके दिस माय टारगेट, बाय एनी मींस आई वुड ट्राई माय बेस्ट टू गेट इन। सो आई डिड, मैंने बहुत की कोशिश, एंड लकीली आई गॉट अ चांस इन वन प्ले, दैट्स ख्वाजा अंसारी अगेंस्ट आरिफ सिद्दीकी। अयूब खान वाज द प्रोड्यूसर दैट पॉइंट इन टाइम, एंड ही रियली इंट्रोड्यूस्ड मी, एंड आई वाज टू शाई, आई डिडंट नो एग्जैक्टली व्हाट दिस शो बिजनेस इज ऑल अबाउट। मैं कहता था मेरी शक्ल बस टीवी पे आए, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। सो मैंने जब देखा उसको, उन्होंने, मैं तो अगले दिन था बिकम अ स्टार, एंड मेरा उसमें कोई रोल नहीं था। अली जाज वॉज अ फैंटेस्टिक इन दैट प्ले, सच अ ब्रिलियंट परफॉर्मर ही वॉज, और बाकी आरफा थी और बाकी था। तो आई हैव ओनली एज के जो मुझकी मेन हीरोइन थी आरफा सिद्दीकी थी, तो मैं उसके अगेंस्ट हीरो था। एंड आई वॉज टू शाई, टू रॉ, आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ टू प्रोसीड फर्दर, but the ignition which I have inside, that really compels me to move forward. Phir subsequently I started working on that, and phir 99 mein jab meri rahein mein maine ek basu kumar ka character kiya tha, that was mega hit, and I was in a central role, people appreciated me so much, yes, surpassed all the record of Pakistan, and that was the best move which ever made. लेकिन फिर जब इतनी बड़ी स्टारडम कामयाबी, स्टारडम तो नहीं कह सकते, वाज जस्ट स्मॉल एक्टर, बट इट वाज अ बिग सक्सेस ऑन दैट पार्ट, बिकॉज ओनली वन चैनल एंड सुपर डुपर सीरियल, यू आर द मेन कैरेक्टर एंड मेन सेंट्रल रोल, सो दैट रियली हेल्प्स मी टू गिव अ सॉलस ऑफ माइंड कि ओके आई हैव डन समथिंग। बट फाइनेंशियली आई वॉज बिट वीक, ऑल्दो कि आई एम हाईली क्वालिफाइड गाय, लेकिन मैंने सोचा नो अब हिजरत करनी चाहिए। And luckily, I happened to be in America. Then I decided to be there because it's the best country in the world. There's so much opportunities all around, and I explored my place over there. I placed myself there. I have done my Master of Law from America, and I already have a lot of degrees from Pakistan and UK. So then my new journey started, and I got married.
So my wife didn't like to see me back in showbiz because there's a lot of issues because you know you are a family guy, there's a lot of scandals and all that. So I faced a lot of issues honestly in my life. Okay, so as you have already told that you have faced many difficulties. So to aapko lagta hai ki is field mein aapko rehte hue jo difficulties face karni padi unka aapki afterlife bhi koi effects rahe hain ya till now? No, that makes me strong. You know why? जब आपका जर्नी बहुत ही कम्बरसम बहुत ही चैलेंजिंग हो ना तो या तो आप सरेंडर कर जाते हैं या बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं. तो मेरे पास खोने का तो कुछ नहीं था ना, मतलब हम्बल बैकग्राउंड था मेरा और मेरे पास कुछ नहीं था खोने को. सो आई डिसाइडेड टू मूव फॉरवर्ड ऑल द लॉट ऑफ स्टम्बलिंग ब्लॉक लॉट ऑफ इश्यूज एंड ऑल दैट स्टफ बट आई केप्ट ऑन मूविंग. I didn't stop myself. I said, what the heck? I didn't have anything to lose. Why not? I just go all out. And I went all out, by the way. Or when I was nominated for the best actor in the character of Basu Kumar, that was a big thing for me. The guy who belongs to a small city and instantly he becomes star. Yes. But when I got married in 99, my wife was saying, no, I don't want to see you in a showbiz because I feel insecure. And she was justified. I mean, I won't say, because you know, there's a lot of temptation in show business. Once you are some known guy, you have ample opportunity to lean someone and that will really crumble your family life. So I have accept why she's right. So then I went to America. जब मैं अमेरिका गया हूँ तो फिर मैंने अपने आप को ना रीशेप किया. क्योंकि शो बिजनेस इज लाइक अ हीरोइन एडिक्शन, इट्स लाइक अ समथिंग कोकेन एंड काइंड ऑफ सर्विस, इट्स रियली हार्ड टू गेट रिड ऑफ दैट. देन आई रीशेप माई सेल्फ, सो नो, दिस इज माई न्यू फेज, नो आई हैव टू बी मोर पॉलिश्ड, मोर एजुकेटेड एंड प्रूव टू बी द बेस्ट हस्बैंड एंड प्रूव टू बी द बेस्ट फादर and kind of stuff. And I accepted all the challenge and move on. And still I'm moving. I don't know what my destination is because I believe in journey. If you really on a right path, definitely you hit one day your target. So you overcome all that stuff? So now you know you are in showbiz too. You know there's a lot of challenges. Okay. I mean 100 million times more than what the men face. Okay. You are young, you know exactly. Because the actor is not socially accepted in this society. Okay. As you have might have experienced that. सेम इज थिंग नो बडी इवन. मैंने शादी के लिए जब जाता था ना तो लोग मुझे कहते थे हम तो आपको अपनी बेटी नहीं दे सकते, मेरे मुंह पे कह देते थे, बिकॉज यू आर एक्टर, यू मस्ट बी अ ड्रंकर, यू मस्ट बी अ वुमन, मतलब जो भी कह. यस यस, इट्स अ टोटली रॉन्ग कंसेप्शन. बट बिकॉज द एक्टर एंड द एक्ट्रेस एंड द पीपल ऑन द स्क्रीन अंडर नॉट सोशली एक्सेप्टेड दैट पॉइंट. वो तो तब तो बिल्कुल भी नहीं था ना, वैन आप 90s और 2 की बात मैं कह रहा हूँ. अब तो खैर चेंज हो गया, सोशल मीडिया आ गया और सोशल मीडिया में हर घर में स्टार पैदा हो गया, हर घर में सिंगर और एक्टर. So the people really accepted that, but that was a journey which was really, really challenging, and I enjoyed being in that journey. So, and then how you feel कि आप एक अपनी show business के life और अब की life को अगर compare करें आप, तो which one is much better? देखिए, honestly, nothing like show business. This is the only business which is something you can dream about, dream of. But you know your practical life has a different challenges. I mean, life put a lot of challenges in front of you. So if you really keep your family life intact, you need to put yourself on a track which would lead to some great achievement. And my kids and my wife was with me, and she was very big force me. But she told me, look, Tokir, whatever you've done, I have no problem with that. But I don't want to let you in showbiz. Okay, what's wrong with that? She said, no, I feel insecure. And that's really, really, yeah, hit me, my heart. I said, oh my God, if my better half is insecure for any sense, doesn't make, I mean, any sense to me to keep continuing that. So I told her, okay, you know, I've been in show business for 10 years and there's no scandal of mine. I never even drink, never even smoke, kind of stuff, all. लेकिन वो थोड़ा उसका जो एक था ना, फिर मैंने अपनी पूरी अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया, अपनी एजुकेशन, अपने बिजनेस और अपनी मतलब जो कंस्ट्रक्टिव मेरी कैपेबिलिटी एबिलिटीज थी, अगर थोड़ी थी तो मैंने आई टोटली ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ फ्रॉम बीइंग अ शोबिज गाय टू एन अ डिफरेंट गाय हु वुड हैव अ डिफरेंट एम्स इन लाइफ, हु वुड हैव अ डिफरेंट डेस्टिनेशन एंड काइंड ऑफ एम्स. बट आई एम हैप्पी, ऑनेस्टली आई एंजॉयड माई जर्नी. Okay, so when you have showbiz छोड़ने का सोचा था, तो did anyone, there is anyone who is going to stop? No, I tell you, it's not something very planned. When I got married,
इंस्टेंटली आई फील कि ओ माय गॉड 500 का चेक मिलता है पूरा वीक आप काम करते हैं 500 में मैं कैसे हाउ आई वुड सर्वाइव ऑल्दो आई वाज अटर्नी दैट वन आई गॉट माय लॉ डिग्री एंड आई बीन रजिस्टर्ड एज अटर्नी लेकिन यंग अटर्नीज के अभी कोई फ्यूचर नहीं था पाकिस्तान में तो मैंने कहा कि रादर आई विल डाई एज अ लूजर इट्स बेटर फॉर मी टू टेक अ चांस एंड टू गेट रिच बिकॉज यू नो ऑनेस्टली स्पीकिंग टू मी पॉवर्टी इज अ कर्स पर्टिकुलर इन आर सोसाइटी अगर आपके पास पैसा नहीं है आपके पास स्टेटस नहीं है या स्टेटस है और आपके पास पैसा नहीं है यू आर नथिंग सो इट वॉज अ टफेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ टू क्विट शो बिजनेस एंड टू गो टू मोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड इन द वर्ल्ड मोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड एंड टू एक्सेप्ट ऑल द चैलेंजेस विच आई नेवर बी फेमिलियर विद सो इट्स अ न्यू लाइफ सो आई एक्सेप्टेड ऑल द चैलेंज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ओके आई हैव नो रिग्रेट्स बी ऑनेस्टली आई एंजॉयड व्हाट एवर लिटिल हैड आई मीन अ सक्सेस बट दैट्स ओके So you have left happily, and now what are you doing right now in your life? You know, every year I come back in December, January. Lot of challenges. Channels called me. Sometime talk show, sometime as a guest, sometime lot of things happen. So I enjoy being part of that. You know, I told you it's addiction, by the way. Yes. Once you be in a show business, you never quit. I'm under se apni quit karte. Buyer se okay, fair enough. But once you're in. And now I'm a very, very enlightened person. I'm sorry, this maybe आपको बुरा लगा हो मैंने अपने आप को बड़ा enlightened का enlightened means नहीं नहीं enlightened mean के I have some kind of knowledge in a sense because I've been in a modern world, most modern world. So I observe every segment of the society. So I be better off now. I accept challenges in a different way. And when I challenge myself, I always get a success. Whatever comes in my field, my way, I always surpass these things. Yes, a stumbling block is there. Issues are there. Problems are there. Sometimes uphill tasks are there. So you must have courage to step up. So I have a little courage to step up all this. सो सर यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा और जी नाजरीन ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और ऐसे ही अपनी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं कीप वॉचिंग आसमान को छूने की चाहतों के साथ ख्वाहिशों को छत देकर ये डालते हैं नई तरक्की की और ये है ताहिर एस्टेट्स स्टील मोनूमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स प्रोजेक्ट मार्केटिंग Town developer and builder, Tahir Estates, Sahiwal ka sabse pehla aur wahid international ISO certified idara aur Chamber of Commerce ki taraf se Best Achievement Award hasil kar chuka hai. जिन्होंने साहिवाल में residential और commercial property में marketing को दी एक नई पहचान. साहिवाल में कामयाब projects. जीवन सिटी सफारी सिटी ओकाड़ा अल रसाफ विलास ईडन गार्डन गुलशन ए जैनब फरीद एवेन्यू अलहम्ब्रा ब्लॉक साहिवाल स्टेट एंड न्यू प्रोजेक्ट इन आरफाला डिफेंस सिटी हाउसिंग स्कीम The largest marketing network in real estate. Tahir Estates. Commercial Plaza Number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN Number 92304111300. जी नाज़रीन, welcome back. तो जैसे कि हम लोग already हम लोग बड़े मजे की conversation कर रहे थे तो कि निसार साहब के साथ तो हम वहीं से continue लेते हैं. जी सर, तो आप अब ये बताइए कि जो एजुकेशन है वो किस तरीके से आप उसको किस सोचते हैं कि वो आपकी पर्सनालिटी पे इफेक्ट कर रही है या शोबिज की लाइफ में आपको एजुकेशन ने किस तरीके से इफेक्ट किया? देखिए जुनैरा, वन थिंग आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट. अगर आप तलाई मतलब एजुकेटेड, ट्रूली एजुकेटेड, नॉट जस्ट डिग्री होल्डर, दैट वुड रियली कंट्रीब्यूट अ लॉट इन योर लाइफ.
that would shape up your personality, your confidence be enhanced, and you can express yourself in the most best way, in a most befitting manner. आप अपनी बात को बहुत अच्छे से, और फिर दुनिया का जितना भी लेटेस्ट नॉलेज है वो आप उसे अक्वायर कर सकते हैं, क्योंकि आपको आप एजुकेटेड हैं, आपके लिए कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं, आपके लिए कोई कल्चर बैरियर नहीं, आपके लिए कोई कंट्री बैरियर नहीं. सो टू मी एजुकेशन इज योर ओनली आइडेंटिटी, ट्रस्ट मी ना. बट द ट्रामा इसका जो जो ट्रेजिडी है ना, कि वही करियर मेकिंग पीरियड होता है, वही एजुकेशन होते हैं. और जब आप ग्लैमर में जाते हैं आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आपकी एजुकेशन बहुत बड़े तरीके से अफेक्ट होती है. मैंने क्या किया कि माई मदर वॉज रियली देसी माँ, वो मैनू मुझे अक्सर पंजाबी में कहती है, पुत्र तेन पढ़न भेजा, तू जाके उत्थे अजीब जी हरकत शुरू करती हैं, तू मेरे खानदान का नाँ डबोएगा, वगैरह वगैरह काइंड ऑफ स्टाफ. व्हेन आई हर्ड फ्रॉम हर आई सेड नो, आई वुड नॉट डिसअपॉइंट माई मॉम. मैं मेरी माँ बेचारी बेवा औरत है, उसने पता नहीं कैसे कैसे करके मुझे यूनिवर्सिटी भेजा है, तो मुझे तो पढ़ना है. तो जो मेरी माँ के अल्फाज थे ना, वो बैक इन माई माइंड ऑलवेज रन्स लाइक अ मशीन, मतलब रिपेटिटिव होता है ना जैसे, तो वो मुझे चलते थे. दैट रियली इंस्पायर्ड मी अ लॉट. सो व्हेन आई कंप्लीटेड माई फर्स्ट मास्टर इन बॉटनी, देन आई एंजॉय ऑनेस्टली रीडिंग एंड ऑल दैट स्टफ. देन आई हैड अ डिफरेंट डिग्रीज लॉ, एंड देन आई मीन आई केप्ट माई जर्नी स्टिल. मुझे जिंदगी में कुछ भी अगर कुछ, मेरी सबसे जो बड़ी चॉइस है ना वो रीडिंग है. यू नो व्हाई? बिकॉज यू नो बेस्ट ब्रेन इन ब्रेन्स इन द वर्ल्ड लाई इन बुक, एंड इवन अल्लाह लाइज इन अ बुक टू. सो अगर आप दुनिया के बेस्ट ब्रेन को इस्तेफादा करना तो यू हैव टू रीड. जब आप, और रीडिंग में आपका फ्लेयर बिल्ड होना चाहिए, यू नो यू नीड टू नो समथिंग, एंड यू ऑलवेज बी अप टू डेट इट व्हाटएवर इज हैपनिंग. सो टू मी एजुकेशन इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग almost 90% in shaping up your personality and just puts you on a right path to, which will lead to your success, whatever the success you have. I mean, everybody has a different parameters. I have a different, you have a different. But education is a key. And show business, aapke kisi drama serial ne aapko, matlab aapko wo role play karte hue aapki personally life ya personally aapko kahin pe hit kiya? देखिए मैं ऑनेस्टली बताता हूँ कि लोग मुझे अच्छा समझते थे, क्योंकि पंजाबी ड्रामा जो था ना उस में तो मैं हर ड्रामे में होता था, और प्राइम टाइम में भी मैं ऑलमोस्ट एक क्वार्टर के बाद दूसरे क्वार्टर में आ जाता था. लोग बड़ी मोहब्बत करते थे, लेकिन लोग बहुत ही ना हमें कमेंट्स बड़े गंदे गंदे देते थे. सामते होया कि मरासी जा रहा है, कि फलाना जा रहा है. When I overhear these things, that hurts me. कि अभी आप मुझे गले लगा रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, और मैं 10 स्टेप आगे गया हूँ, और यू आर जस्ट मतलब बैड. हाँ जी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जिंदगी में अगर आपने लोगों की परवाह करना शुरू कर दी ना, तो यू आर डेड. आई मीन प्रोग्रेसिव नहीं हो सकते आप रिग्रेसिव हो जाएंगे. सो मैंने उन कमेंट्स को ना बिल्कुल अपने दिल से नहीं लगाया. आई नेवर टेक इट टू द हार्ट. आई केप माई जर्नी, एंड आई हैव सम सर्टेन पैरामीटर्स. आई हैव अ रेड टेप अराउंड मी. I will not do this thing, I will not do this, this is my destination, I'll hit that destination by one way, another way. But you know, biggest matlab jo tragedy thi meri life mein, I was financially weak. That really pinches me all the time, that I need to have something, jisse na main apne career ko main enhance nahi kar pa raha, kyunki mere paas wo nahi hai paisa jitna hona chahiye. So that really compelled me to leave this country. एंड और फिर मैंने आपको बताया मेरी जो फैमिली लाइफ है वो भी डिस्टर्ब ना हो. इसलिए आपको एक बात बताऊं कि अगर आप सारी ज़िंदगी सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे ना, तो आपसे बड़ा बुरा इंसान. समटाइम आपको अपने काउंटर पार्ट, बेटर हाफ, या अपनी बीवी, या अपने, उनको भी सुनना चाहिए, उनके कंसर्न्स को भी एड्रेस करना चाहिए. ठीक है, मुझे शो बिजनेस में आना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मेरी फैमिली अगर इनसिक्योर होती है या किसी वजह से उनको बुरा लगता है, तो इट्स फाइन. आप उनको, मैं उनको उसको, आई पुट हर अक्रॉस द टेबल. मैंने कहा भैया मुझे, कहती नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता. आप यू लीव इट, यू आर नॉट बॉर्न फॉर शो बिज, यू आर बॉर्न फॉर समथिंग. आई से टेल मी एग्जैक्टली व्हाट फॉर आई एम बॉर्न फॉर. से आई टोल्ड यू कि यू आर नॉट बॉर्न, यू जस्ट बी लाइक बी इन सम यूनिवर्सिटी. या ऑब्वियसली, या दैट्स हाउ इट इज. अच्छा, तो सर ये बताइएगा कि जो आप, मतलब अगर हम 90s की शो बिज को देखें और आजकल की शो बिज को देखें, तो देयर आर ह्यूज डिफरेंस. देखें, आपको एक बात बताऊं, जो 90 का शो बिजनेस था उसमें बड़े राइटर थे, बहुत अच्छे एक्टर थे. फिरदौस जमाल था, आबिद अली था, औरंगजेब लगारी, मतलब सबा हमीद, रुबीना, मतलब ये इतने बड़े लोग थे कि ये इंस्टीट्यूशन का दर्जा रखते थे.
और आज का जो एक्टर है ना, इसके पास अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत से चैनल्स हैं. देखें, आप यूट्यूब पे जाएं, बेस्ट परफॉर्मेंसेज देखें, आपके पास वीडियो है, आप वीडियो, मतलब यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लर्न. बट दैट पॉइंट, उस वक्त इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, एक आपको, और उन लोगों ने बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया शो. हमारे यहाँ जो मिनी स्क्रीन शो बिज है ना, उसने लोगों को बताया कि शो बिज क्या होता है, क्योंकि फिल्म तो बहुत कम लोग देखते थे. लेकिन जो मेरी, मैंने बात वहाँ से लर्न की है ना उन लोगों से, वो बड़े लोग थे. हम जब परफॉर्म करते थे उनके सामने, हम गलती करते थे, वो फ़ौरन कहते, बेटा आप इसको, या भाई आप इसको इस तरह कर लें तो आपको, मतलब वो हमें अच्छा लगता था. आज का जो एक्टर है ये बहुत ही एरोगेंट है, आप इसे कुछ कह नहीं सकते. मैं एडमिट कि आज का टैलेंट बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है, नो डाउट. मतलब बड़े अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, बड़े अच्छे खूबसूरत एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन मसला ये है इनमें एरोगेंस बहुत है. ये ओवरनाइट एक प्ले आता है, उसमें ये अगर हिट हो जाए तो इनकी तो चाल ढाल ही बदल जाती, कॉलर ऊपर आ जाता जैसे इन्होंने सेंचुरी मारी हो. सो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड रियली हर्ट्स सम टाइम, बिकॉज यू नो आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट ये होती है कि आप बहुत बड़ी अचीवमेंट के बाद बहुत हम्बल रहे. अगर आप हम्बल नहीं रहते तो यू आर नथिंग. हु द हेल बदर्स इफ यू परफॉर्म वेल, सो हु केयर्स. अगर आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और यू आर हम्बल, यू जस्ट रिस्पॉन्ड द पीपल इन अ ब्रिलियंट वे एंड यू एक्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, दैट्स द वर्च्यू विच रियली टू बी अप्रिशिएटेड. नॉट ओ व्हाट इज दिस, नथिंग. आई हैव सीन सो मेनी फ्यू राइटर्स, आई डोंट वांट टू कोट देयर नेम, आई मीन वन हिट एंड दे स्टार्ट मतलब ब्लास्टिंग ऑन एवरीबॉडी. व्हाट पॉइंट दे वांट टू प्रूव कि दे आर द रियल टैलेंट? नो. नेचर प्रोवाइड सब्स्टिट्यूशन. जितने मर्जी बड़े राइटर हैं, जितने मर्जी बड़े एक्टर्स हैं, कल आपको एक सेकंड में कोई रिप्लेस कर देगा. दैट्स सो यू नीड टू बी ऑलवेज. देखे आप, यू आर क्रिएटर बैठा है ऊपर, आपसे बढ़ के हजार, मुझसे हजारों गुना बढ़ के. अल्लाह हैज सो मच पावर, और अल्लाह तो आपको ये जो है फख्र, या अपने आप को बहुत, आप समझें कि जो क्या कहते हैं, मुझे फाइंड अप उर्दू, मतलब आप प्राइडफुली तो कुछ कह, लेकिन आपके अंदर अगर एरोगेंस है, अपने आप को आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डनरी समझते हैं, तो आप बहुत ही छोटे हैं. मेरी नज़र में एक्स्ट्राऑर्डनरी वो है जो एक्स्ट्राऑर्डनरी हो और अपने आप को समझे. दैट्स व्हाट आई बिलीव. अच्छा, तो कोई मतलब जैसे आजकल के यंगस्टर्स हैं, आजकल के जो मतलब बच्चे हैं, वो आते थे आपको पता है सेल फोन उनको मिल गए एंड दे आर बिट मोर इन्वॉल्वड इन ऑल दैट. तो नॉट बैड, नॉट बैड. यू नो यू हैव अ होल वर्ल्ड अंडर इन योर पाम. That's and you, the word is, I mean, the skies be your limits. So you should utilize this tool for your betterment and to improve upon yourself. अब देखें, आपके पास वही 20 अगर 8 आवर जॉब है, उसमें आप कंस्ट्रक्टिव काम भी कर सकते हैं, आप गंद भी कर सकते हैं. 24 घंटों में आप अपने आप को बहुत असर्ट भी कर सकते हैं और आप अपने आप को दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व भी कर सकते हैं. जैसे अगर हमारे में टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते. टाइम मैनेजमेंट के यू नीड टू नो एग्जैक्टली दिस माय लाइफ टाइम, ये मैंने एंजॉय करना है, यहाँ मैंने पढ़ना है, यहाँ मैंने प्रोफेशनली अपने आप को अपलिफ्ट करना है. अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट, यू आर नथिंग, यू आर बी अ बिग लूजर. ऑनेस्टली दैट्स व्हाट आई बिलीव. एंड यू नो आई लर्न वन थिंग फ्रॉम द वेस्ट, कि यू ऑलवेज रिस्पेक्ट द टाइम, यू ऑलवेज, एंड यू ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन विद एवरी पासिंग मोमेंट. If you're static, if you're dumb and good things are coming to you and you're dispelling all these things, means you're nothing. So that's how I believe. यहाँ पे हम लोग, हमारे जो बच्चे हैं, अब जैसे आजकल TikTok बहुत ज़्यादा इन हुआ है और वहाँ से भी लोग उठ रहे हैं. नहीं, बच्चों को आप ब्लेम ना करें. देखिए, आपको टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वर्ल्ड. मतलब देखिए ना, आप अपने बच्चों को अप्रिशिएट करें कि इतने सारे मैस में भी वो सर्वाइव कर. आजकल जब यूथ इन चीज़ों पे जा रही है तो बहुत ज़्यादा लोग जो है डिस्करेज भी करते हैं, और समटाइम्स ये होता है कि उनकी रीज़न ही ये होती है कि वो सोसाइटी से बहुत ज़्यादा जो है इग्नोर हो रहे होते हैं, तो वो अपने आप को. जुनैरा, वन थिंग आई एम टेलिंग यू, अगर आपको एक बंदे की या 100 बंदे की या 1000 बंदे की ओपिनियन किसी बड़े काम करने से रोकते हैं, तो आपसे ज़्यादा वीक बंदा दुनिया में कोई नहीं. यू डोंट केयर अबाउट द पीपल, यू सेट योर गोल, गो फॉर इट. और आपको अगर आप डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के मतलब यू नो एग्जैक्टली वेर यू आर हेडिंग टू. नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिग सक्सेस. यू हैव टू, यू नीड टू अप्लाई योर सेल्फ, यू नीड टू चैलेंज योर सेल्फ, एंड यू पुट योर सेल्फ इन अ प्लेस वेर यू थिंक, ओ माई गॉड, दिस इज वट आई वॉन्ट टू अचीव. यू नो, फर्स्ट यू हैव टू हैव सम गोल्स इन योर माइंड. तो हमारा क्या होता है कि हम बस एक चल रहे हैं, वी डोंट नो एग्जैक्टली वेयर वी आर हेडिंग टू. यू मस्ट नो एग्जैक्टली व्हाट्स योर डेस्टिनेशन, यू ऑलवेज एंजॉय योर जर्नी. जी नाज़रीन, यहाँ पे हम दोबारा से एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आके अपनी कन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे.
हमारे एमडी साहब, हमारे चेयरमैन ताहर अहमद साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं ताहर साहब के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये मियार पे कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। हम जो भी इसमें लिख के आपको दे रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला हम प्रोवाइड करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है और इसमें कोई भी किसी भी किस्म की ना ताखीर होगी। जो हम टाइम देंगे, हम डिफेंस व्यू हाउसिंग स्कीम में मस्जिद दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, जदीद तरीन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट दे रहे हैं, कंक्रीट बाउंड्री वॉल दे रहे हैं, सिक्योरिटी कैमरे दे रहे हैं, जिम, चाइल्ड एक्सरसाइज पार्क, रोड साइंस, हॉस्पिटल, सेवरेज। और ये जो सेवरेज है जिसमें बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि महीने बाद, साल बाद, दो साल बाद ये खराब हो जाते हैं, ये जो यहाँ पे सीवरेज सिस्टम बिछाया है वो अगले 50-60 साल को मद्देनजर रख के बिछाया है ताकि लोगों को किसी किस्म की आलूदगी या गंदगी का सामना न करना पड़े। हमने अपने बेहतरीन चीज़ों को, ये बेहतरीन सोच को यहाँ पे आपके सामने पेश किया है और यही हमारी कामयाबी का राज भी है, क्योंकि ताहर स्टेट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री पिछले 25 साल से अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डेवलपमेंट और मार्केटिंग में काबिल जिक्र प्रोजेक्ट में जीवन सिटी, अल रज़ाक विला, ईडन गार्डन, फरीद एवेन्यू, गुलशन ज़ैनब, साहिवाल स्टेट फार्म हाउसेज, सफारी सिटी उकाड़ा, डिफेंस सिटी आरमवाला और अब डिफेंस व्यू गोजरा के अलावा बेशुमार रिहायशी वाले कमर्शियल प्रोजेक्ट को पायद तकमील तक पहुँचाया है और इसको भी इंशाल्लाह ताला हम अपनी बेहतरीन सोच और बेहतरीन चीज़ों से मुजयन करके आपके हवाले करेंगे। काबिल एहतराम, काबिल जिक्र MLA सैयद इमरान अहमद शाह साहब तशरीफ लाए हैं साहिवाल से। मैं चाहता हूँ कि वो भी आपके सामने अपने ख्याल का थोड़ा सा इजहार करें। दिल की यथा गहराइयों से ममनून हूँ, मशकूर हूँ अपने बहुत ही प्यारे भाई ताहिर साहब का। ताहिर साहब के हवाले से कि बेतहाशा इन्होंने कॉलोनीज बनाई, डिफरेंट शहरों में बनाई, साहिवाल में बनाई। मुझे किसी ने कोई शिकायत आके नहीं की कि जी के मेरी कोई कंप्लेंट है, आप हमारा ये फैसला करवा दें। गोजरा वालों को अर्ज कर रहा हूँ कि जी के आप ये चार दीवारी के ये अंदर बैठे हैं, ये आप महफूज बैठे हैं और इधर जो एक घर बनाना, हमारे साहिवाल में भी जो इन्होंने कॉलोनियां बनाई, आइडियल तरीन लोगों ने जहाँ घर बनाए, अपने बच्चों का फ्यूचर मुस्तकबिल, वो मैं समझता हूँ कि जी के गोजरा वालों आपकी ये खुश किस्मती है कि जी के ताहर साहब ने ये कॉलोनी बनाई है, आपके लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है और आप लोग इनके होते हुए इस कॉलोनी में इन्वेस्टमेंट करें, घर बनाए, वो आप महफूज हाथों में है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जी के घर बनाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने आप को महफूज हाथों में समझें, सेफ हैंड में समझें। इससे बेहतर ब्लेसिंग और किसी और कॉलोनी में, किसी और डेवलपर्स में नहीं हो सकती। मैं ताहर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने ख्याल के दार आने वाले तमाम मुअज्जज़ मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। पिछले 25 साल से हमारी कंपनी काम कर रही है, हमारी सबसे अवलीन तरजीह ये है कि हम अल्लाह के लिए काम करें, उसकी मखलूक के लिए काम करें ताकि हमारे लिए आसानी और बेहतर पैदा हो। हमारी कंपनी के 2-3 असूलों में सबसे बड़ी बात सिर्फ एक ही है, किसी पार्टी के साथ, किसी क्लाइंट के साथ कोई मिसहैप हो जाता है, फ्रॉड हो या धोखा हो, हम उसकी टोटल पेमेंट वापस करने के लिए तैयार हैं। किस्तों में प्लॉट लिया हुआ है या कैश लिया हुआ है, इन केस अगर वो बेचना चाहता है या वापस करना चाहता है तो कंपनी सबसे पहले खरीदा है। वजह ये है कि हम यहाँ कंफर्टेबल लेवल एक देते हैं, बातें कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, ये आपने देख लिया होगा।
से पहले बात कर रहे थे और बहुत मजे की हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी एंड बिल्कुल मेरा ब्रेक का मूड नहीं था, पर रिक्वायरमेंट होती है, जाना पड़ता है. तो जी, हम वापस आए हैं. जी सर, अब जरा हम थोड़ा सा पर्सनली क्वेश्चंस कर सकते हैं? Sure, sure, you can ask any question. तो शोबिज लाइफ में कभी आपको किसी पर बहुत बुरा क्रश हुआ? Yes, I have. You know, आप जब एक आप थोड़ा यंग होते हैं, फिर थोड़ा नॉन भी होते हैं, और फिर आप एकदम कहीं आके सरेंडर कर देते हैं. यस आई हैड, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने किसी प्रॉब्लम को साथ लेके नहीं चला. आई अप्रोच दैट लेडी, आई से यू आर सच अ वंडरफुल गर्ल, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है. कहते हैं आप मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते. मैंने कहा इट्स फाइन, आई डिडंट टेक इट टू द हार्ट. आई से फाइन, शी हैज़ हर ओन चॉइस, आई डिडंट टेक इट एज एन इंसल्ट एज वेल. सो मैंने कहा ठीक है, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट यू बी सो ब्लंट. But you know, one comment would not change my life. To go to the hell, I would find somebody else. I mean, the person who rejected you and you cling to that, oh, mujhe reject kar diya. What does it mean? The world is open for you. Go ahead and find someone other. And I did. Okay. I did, honestly. So, aap wahan stuck nahi hue? No, I did not. और कभी ऐसा हुआ कि कोई गर्ल या कोई फीमेल जिसको आपका बहुत ज़्यादा बैड क्रश हो एंड She just came. Don't ask me because my kids are grown up. My, I know. That's something which मैं कोई इतना भी नहीं था कि सुपरस्टार के, लेकिन होता था. वैसे समटाइम मुझे लगता था ये क्रेजी से है, मतलब सिचुएशन आ गई तो अकड़ के, आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं आपके सारे ड्रामे देखती हूँ और यू सो, बिकॉज इट्स यूजली हैपन इन अ स्मॉल सिटी. और किसी मैं फंक्शन में गया हूँ तो मैं कहता थैंक यू सो मच, आपने बड़ी इज्जत अफजाई की. मैं आपसे जो कह रही हूँ, आपने फलाम, मैंने आपको सलाम किया, आपने जवाब दे दिया. So thank you, sorry, I can hear that. And sometimes it's a very unusual reaction you got from the public. Mm-hmm. You know, but, you know, I told you that I'm the guy who's a different guy. Mm-hmm. I always said that if you give a break, you stop, you have a crush, then you can't take all your problems with yourself. You have a path on your side. You have to find the way to move forward. And if you don't move forward, if you're static, nobody gives a shit. Any damn who you are, where you are. So you need to be goal-oriented. You believe in intelligence. आपको मेहनत करनी है, आपको आगे बढ़ना है. और सबसे बड़ी बात है कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आप किस तरफ जा रहे हैं. जब आप ऑब्सक्योर हो, कोई आपको फॉगी सी सिचुएशन है, यू डोंट नो वेयर यू आर हेडिंग, और आपको पता नहीं आपने कहाँ जाना है, तो फिर आपको क्या करते हैं, हालात आपको शेपअप करते हैं. जब अपने आप को हालात के रहमो करम पे छोड़ते हैं और किस्मत को हर वक्त आप कोसते हैं, खुदा की कसम लूज़र की सबसे बड़ी दुनिया में निशानी बताऊँ, हर वक्त अपनी किस्मत को कोसेगा, अपनी गलतियों को एनालाइज नहीं करेगा. इफ़ आई एम फेल्ड, आई एम बिकॉज ऑफ मी. अगर मेरी जिंदगी में कोई नाकामी है, मेरी वजह से, यार किसी की वजह से नहीं है. और मुझे अपने अंदर जो खामी और जो मेरे अंदर वो एक फ्लॉ है, उसको मुझे एड्रेस करना है. इसे जब मैं किसी जिंदगी में किसी भी सिचुएशन में फेल होता हूँ, तो मैं अपने आप को ब्लेम करता हूँ. This is me who made me fail, not somebody else. क्योंकि extraneous factor हैं, आप कोई भी आपको distraction है, तो control yourself. Why you blame the people? हमारे यहाँ क्या जी, उसने मुझे बर्बाद कर दिया, इसने मुझे बर्बाद कर दिया, इसकी वजह से मैं बर्बाद हो गया, उसकी वजह से तुम. I mean that kind of. देखिए, loser always take a refuge in a pretext. जितने भी loser आप दुनिया में देखेंगे ना, वो हमेशा बहानों की तलाश में रहते हैं. अच्छा जी, मेरा प्यो मर गया, मैं कुछ नहीं किया. अच्छा जी, मैंने फलाने जगह थे, मैं अगे बढ़ रहा सी, फलाने मैंने रोक लिया. आई मीन द वर्ल्ड इज ओपन फॉर एवरी. आपको जिंदगी में, अपनी जिंदगी में अगर आपको अग्रेसिवली आगे बढ़ना है, तो आपके अंदर इतना बड़ा दिल और उतना ही दिमाग चाहिए. इतने बड़े दिल होते हैं, दिमाग इतने, उनको हमने सोचा हुआ कि दिमाग तो बस इस्तेमाल करने की चीज़ ही नहीं है. और जिंदगी में अगर आपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है ना, खुदा की कसम उसका सबसे बड़ा, मैं आपको जितने भी चैलेंजेस आपके सामने, आप एग्जैक्टली क्लियर टारगेट रखें कि आपने क्या करना. यहाँ कहते हैं सो आई डोंट केयर हु द हेल दे आर. यू नो, वी आर अ वेरी जजमेंटल पीपल. हमें इतनी जजमेंटल सोसाइटी है. एक आम कॉमनर जा रहा होगा तो वो ये कैसा आपको कमेंट देगा, आप परेशान हो जाएंगे. और आपने अपने दिल पे लगा लिया, हो माय गॉड, उसने मुझे कहा, आई डैम केयर हु द हेल ही इज, जस्ट लेट हिम गो एंड आई डू माय ओन थिंग्स. आई नेवर एवर एवर, आई मीन स्टॉप माय सेल्फ फॉर सेक ऑफ पीपल. इफ आई बिलीव इन थिंग्स आई हैव टू डू, आई हैव टू डू, नो मैटर व्हाट हैपेंस, दैट्स हाउ आई एम. एंड आई एम अल्हम्दुलिल्लाह, successful in a life, in a sense that I achieved everything what I desired for. I'm not saying I'm a very successful, obviously not. Lekin jo meri zindagi mein main chahta tha wo maine kiya. Jo maine puri duniya dekhi, duniya ki best universities mein padha, mera shallow background. Why not being a meri maa ek bewa aurat, uske limited resources,
और बेचारी पता नहीं कैसे हम लोगों को करती थी। और ये चीज़ें मेरे हमेशा दिमाग में रहती थी कि मुझे अगर आगे बढ़ना है ना तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। Either I die or I move forward. Yes. I prefer to move forward rather to die and to stay. मैंने कभी किसी को blame नहीं किया। मेरी ज़िंदगी में जितना failure है मेरी वजह से। That's how I am. मतलब अच्छा, तो वैसे अगर आपकी life के challenges के बारे में पूछा जाए तो मतलब कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपके लिए सबसे ज़्यादा challenging थी और आपने उसको कैसे cover up किया? देखिए, ज़िंदगी आपके सामने हर रोज़ challenge आपके put a challenge in front of you every moment. अब आपको क्या करना है? देखिए, सम टाइम आप में वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकें, और यू टेक थिंग्स इन अ स्ट्राइड कि ठीक है यार, चैलेंज आ गया, हो गया होगा, ना तो ना से। जितना बड़ा चैलेंज होगा ना, आपको उतनी प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। फर्ज करें मैंने कोई चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, वट एवर ए बी, आई विल प्रिपेयर एवरी थिंग टू एक्सेप्ट दैट चैलेंज एंड टू प्रिपेयर फॉर दैट। और मैं किस्मत क्या है, मौके और मेहनत का मिलाप जो होता है ना, वो है आपका, आपकी जिंदगी में लक। किस्मत के लिए आपको खुद एफर्ट देखिए, आपने मेहनत की, आपका मौका मिला, दिस इज लक। लोग कहते हैं मेहनत करें ना करें जी, मौका मिल गया, मैं लकी या अनलकी। नो, पहले आपको मेहनत करनी है, यू प्रूव योर सेल्फ यू आर वर्थ, आपकी वर्थ है, फिर अल्लाह ने आपको मौका दिया एंड देन यू ग्रैब द चांस एंड यू बिकम सक्सेसफुल। दुनिया का सबसे स्टूपिड आदमी होता है कि डिजर्व नहीं करता है, डिजायर फॉर इट, फर्स्ट यू डिजर्व देन डिजायर, दैट्स हाउ आई स्पेंड माय लाइफ। सो यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम योर लाइफ चैलेंज। ओह या, एवरी डे आई स्वेयर टू गॉड, सम टाइम आई कम अक्रॉस सिचुएशन व्हिच, ओह माय गॉड, दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, हाउ आई कैन सर्व, एंड आई रिकलेक्ट मायसेल्फ, रीडिसिप्लिन मायसेल्फ एंड पुट माय ब्रेन एंड हार्ट टुगेदर एंड फाइंड द वे, एंड आई ऑलवेज बी अ सक्सेसफुल। इट्स फाइन, आई मीन एवरी डे यू वुड हैव 20 चैलेंजेस, व्हेन यू गो होम बैक मे बी 10 पीपल वुड जस्ट शाउट एट यू आर सम काइंड ऑफ कमेंट्स यू विल फाइंड, इफ यू स्टॉप एंड टू आंसर ऑल दिस शिटी स्टफ, you'll not move. No, no, yeah, you're not time. You're not move any food. So don't let the people say whatever they say. But you know, you must not be a traditional breaker. हमारे यहाँ जो एक हमारी सोसाइटी में जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, प्लीज़ उसको ना ब्रेक करें, क्योंकि उससे हमारा जो फैमिली फैब्रिक है या जो हमारी सोसाइटी का जो एक कल्चर है ना, वो आप उसे डैमेज कर देंगे, उसकी आप एहतराम करें। और क्योंकि हमें देखें, हमारा दीन भी और हमारा सोसाइटी भी हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी जो ज़िंदगी की अपनी शॉर्ट कमिंग या अपने फ्लॉज हैं, आप उसको तशहीर ना करें। अगर आपसे कहीं कोई कमी हो गई, आपसे कोई प्रॉब्लम हो गया, यू शुड रिपेंट, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, लोगों से भी माफ़ी मांगे अगर आपने किसी से ज़्यादती की। याद रखें, वट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, जो आप करते हैं वही आपके पास आता है। शो बिजनेस जो है ना, इस वक्त हर घर में है, शायद मैं आपके क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा ना, हर घर में टिकटॉकर, हर घर में एक्टर है, हर घर में सिंगर है, और लोगों को पूरी 5 मिलियन उसकी व्यूअरशिप, घर वालों को नहीं पता कि वो आपका बच्चा या बच्ची टिकटॉकर है। सो आपके पास प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया बड़ा वाइब्रेंट है। आप अब पाकिस्तान में शो बिजनेस से आप इतना नहीं कमा सकते कि आप अपनी जिंदगी को आसूदा कर सकें। सो माई सजेशन टू एवरीबॉडी हु वॉन्ट्स टू बी इन शो बिजनेस, फर्स्ट यू शुड कंप्लीट योर एजुकेशन, secondly you set your target, and you need to have something, some job or some business or something which would really help you out to go through this transition period, because you know ekdam se aap superstar to nahi ho sakte, aur वैसे by the way superstar ko kya milta hai yahan pe, aapko apna lifestyle maintain karne ke liye 500,000 se million rupees chahiye, agar aapka lifestyle ko hai, ye bhi main average lifestyle ki baat kar raha hu, aur kitne log hai jinka million rupees 10 lakh rupees mahine ka kamate hain। aur main aapko ek aur baat bataun jo maine apni zindagi mein experience kiya hai, कि अपनी ख्वाहिशात को ना अपने कैरियर में ना आने दें। आपकी ख्वाहिशात जो है ना, आपके कैरियर को इन्हेंस करना चाहिए। जब आप अपने कैरियर को इन्हेंस करते हैं, तो आप फिर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आता है कि आप अपनी ख्वाहिशात की भी तकमील करते हैं। अगर आप ख्वाहिशात के पीछे पड़ गए, आपने अपने कैरियर को एट स्टेक कर दिया, यू आर डन, you become a loser in your life, that's what I'm saying. जी नाज़रीन, आज की उम्मीद करती हूँ कि आज की कन्वर्सेशन आपके लिए, इवन मेरे लिए बहुत प्रोडक्टिव रही है, और आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इससे।
तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम हम यहाँ पे एंड करते हैं. फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में. तब तक के लिए अपनी मेज़बान सुनहरा को इजाज़त दीजिए. अल्लाह निगहबान.